बैठिए, आज आपको जो है मस्जिदुल हराम में किस तरह क्लीनिंग होती है वो हम दिखा रहे हैं। देखिए ये पोचे लगे हुए हैं इसके नीचे। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम करते हैं जनाब। जनाब अभी इस वक्त जो है हम अपने होटल में हैं और हम जो है अभी जा रहे हैं मस्जिदुल हराम के लिए। तो हमें कुछ ख़रीदारी करनी है, कुछ चीज़ें हमारी रिमेनिंग हैं जो हमें पूरी करनी है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। ये किस तरह क्लीनिंग होती है, जब इन्हें यहाँ पर क्लीनिंग करनी होती है मस्जिदुल हराम की, तो इस तरह का ये जो रेड कलर का बेल्ट इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये पकड़ते हैं चारों तरफ। देखें ये यहाँ से है और पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक है, जिससे जो है लोग इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। और इस रेड कलर का जो पट्टा है, ये बेल्ट है, इसके अंदर जो है फिर ये क्लीनिंग कर रहे होते हैं आसानी से। देखें कोई भी शख्स जो है आपको बाहर का बंदा यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, सारे जो है क्लीनिंग करने वाले लोग यहाँ पर हैं। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र होता है। ये जो गाड़ी नज़र आ रही है, इसके नीचे जो है वाइपर टाइप की कोई चीज़ है और ये पुरुष है गोल घूम रहा होता है क्लीनिंग के लिए। देखें ये वाइपर लगता जा रहा है इस गाड़ी के ज़रिए। ये देखें कैसे भाग भाग के जो है ये क्लीनिंग कर रहे होते हैं। और सब लोग जो है देखें वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पे सामने भी। क्या हाल है भाई साहब, कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से? माशाल्लाह। अच्छा ये यहाँ पर जो क्लीनिंग वाले होते हैं सारे पाकिस्तानी और इंडियन होते हैं ना? पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी। आप खुश नसीब हैं यार, आप इस मुकद्दस जगह की सफाई कर रहे हैं। जी लुतुम के प्रोजेक्ट, लुतुम प्रोजेक्ट, लुतुम प्रोजेक्ट, ये क्या है? आगे लो इंडियन और पाकिस्तानी और এখন সবচেয়ে বড় বড়। अच्छा আগে ছিল বিল্লাত, এখন লাল বাজার। देखें सामने माशाल्लाह मस्जिदुल हराम है और ये इस तरह लोग हैं यहाँ पर और ये सामने इसकी क्लीनिंग चल रही है। अब वाइपर लगा हुआ है इस गाड़ी के नीचे जो इसको क्लीन करता जा रहा है। आगे से लोग जो है वहाँ पे वो पानी डाल रहे हैं, फिर ये इससे वाइपर से क्लीन कर रहे हैं। ये देखें ये पोचा लगा रहे हैं। ये इसके अंदर जो है पानी है और ये यहाँ से पानी निकाल निकाल कर फेंकते हैं नीचे, फिर ये इस पे सरफ वगैरह का पानी मेरे ख्याल से है। देखें इसके अंदर सरफ या कोई केमिकल्स वगैरह मिले हुए हैं। ये भाई हमारा गर्मा गर्म लजीज खुशबू से भरा पिज़्ज़ा, डोमिनोज का पिज़्ज़ा। ये भाई अहमद रज़ा पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। तेरे घर के फेर लगा तार में सदा शहर बाका में आता रहूं मैं। तेरे घर के फेर लगा तार में सदा शहर